हमारे पिछले जो वीडियो था उसमें हमने पढ़ा नॉन कोऑपरेशन के बारे में। अब हम बात करते हैं द सॉल्ट सत्याग्रह अ केस स्टडी। कई सालों तक जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खत्म हुआ है, महात्मा गांधी ने अपना फोकस एक सामाजिक रिफॉर्मर के तौर पे उस तरह से काम करना शुरू कर दिया और उस पर ही ज्यादा ध्यान देने लग गए। 1928 में उन्होंने दोबारा सोचा कि पॉलिटिक्स में एंटर किया जाए। उस साल जो है ऑल इंडिया कैंपेन जो है वो हो रही थी, जो कि ऑपोजिशन में करी जा रही थी ऑल वाइट साइमन कमीशन की, जिसको कि इंग्लैंड से भेजा गया था ये जानकारी हासिल करने के लिए कि कॉलोनी में कंडीशंस कैसी हैं। गांधी जी ने खुद तो इस मूवमेंट में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन उन्होंने सबको अपना आशीर्वाद दिया और साथ ही साथ उन्होंने एक पीजेंट सत्याग्रह किया बारडोली में उसी साल। दिसंबर 1929 के एंड में कांग्रेस जो है उसने अपना एनुअल सेशन किया लाहौर शहर में। ये मीटिंग जो है इम्पोर्टेंट थी दो वजहों से। एक तो इलेक्शन हुआ था जवाहरलाल नेहरू का प्रेसिडेंट के तौर पे, जिसका मतलब कि अब जो बागडोर है वो नई यंगर जनरेशन के हाथ में आ गई है, और साथ ही साथ एक कमिटमेंट की घोषणा कर दी गई कि पूर्ण स्वराज चाहिए या कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। कहने को पॉलिटिक्स ने जो है एक बार फिर से स्पीड पकड़ ली थी। 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे के तौर पर देखा जा रहा था, जिसमें नेशनल फ्लैग जो है वो फैलाया गया अलग अलग जगहों पे और पैट्रियोटिक सॉन्ग्स जो है उनको, यानी जो देशभक्ति के गाने हैं उनको गाया गया। गांधी जी ने खुद भी जो है कुछ इंस्ट्रक्शंस जारी किए कि कैसे इस दिन को मनाना है, बहुत अच्छा होगा। उन्होंने कहा कि अगर ये जो डिक्लेरेशन हुआ है इंडिपेंडेंस का, ये सब गांव द्वारा किया जाए, सब शहरों द्वारा किया जाए, साथ ही साथ जितनी भी मीटिंग्स करी जाए वो सब के सब जो है एक ही समय पे हर जगह शुरू हो। गांधी जी ने ये भी कहा कि जो समय हो मीटिंग का वो एक अपने ट्रेडिशनल वे में जो है उसको एडवर्टाइज किया जाए, यानी कि ढोल बजाकर। जो सेलिब्रेशन है उसकी शुरुआत होगी झंडा, जो हमारा नेशनल राष्ट्रीय फ्लैग है उसको फहरा के। बाकी पूरे दिन में जो है कुछ कंस्ट्रक्टिव काम किया जाएगा, चाहे स्पिनिंग करी जाए या अछूतों की सेवा करी जाए, हिंदू और मुस्लिम स्टूडेंट यूनियन हो या जो काम को नहीं करने को कहा गया है, और सब कुछ साथ में किया जाए जो कि पॉसिबल नहीं है। पार्टिसिपेंट्स जो थे वो शपथ ले कि वो जो है उनकी एक अधिकार है, वो एक इंडियन नागरिक है और जैसे और बाकी लोग होते हैं उनके पास भी जो फ्रीडम है उसका हक होना चाहिए, और साथ ही साथ जो भी वो मेहनत करते हैं उसका फल उनको खुद ही इंजॉय करना चाहिए, और अगर कोई गवर्नमेंट जो है उनके अधिकारों से उनको वंचित करती है या उनके ऊपर दबंगई करती है तो लोगों के पास फिर अधिकार होना चाहिए कि या तो वो उसको बदल दें या फिर उसको खत्म कर दें। जब ये इंडिपेंडेंस डे की बात हो गई उसके बाद महात्मा गांधी जी ने जो है ये अनाउंस किया कि वो जो है एक मार्च निकालेंगे और सबसे ज्यादा जो ऐसी कानून बना है जिसको कोई पसंद नहीं कर रहा ब्रिटिश इंडिया के द्वारा, उसको जो है वो तोड़ेंगे, जिसमें स्टेट को ये हक दे दिया गया है कि वही जो है सॉल्ट को बनाएगा और उसको सेल करेगा। एक तरह से गांधी जी का ये समझदारी दिखाई थी, एक अपनी जो बात थी उसको कहने का तरीका था, एक दर्शाने का तरीका था कि उन्होंने सॉल्ट मोनोपोली को उठा लिया। हर घर में, हमारे इंडियन घर में सॉल्ट जो है वो बहुत जरूरी होता है, लेकिन लोगों को इससे दूर रखा जा रहा था कि वो सॉल्ट जो है अपने घर के पर्पस के लिए भी नहीं बना सकते, और उनको ये जो है मजबूर किया जा रहा था कि वो शॉप से ही खरीदे और काफी ऊंचे दामों पर। ये जो स्टेट की मोनोपोली हो रही थी सॉल्ट के ऊपर, इसको कोई नहीं पसंद कर रहा था, और इसी को ही अपना टारगेट बनाकर गांधी जी ने सोचा कि क्यों ना ब्रिटिश रूल के खिलाफ जो है इससे लोगों को और ज्यादा उकसाया जा सकता है। जब ज्यादातर इंडियंस जो है गांधी जी के इस चैलेंज की इम्पोर्टेंस को समझे गए, तो ब्रिटिश राज जो है वो अभी भी समझ नहीं पा रहा था। गांधी जी ने वैसे जो है सॉल्ट मार्च का एक नोटिस जो है वो वायसराय लॉर्ड इरविन को पहले ही भेज दिया था, लेकिन जो इरविन थे वो इस एक्शन की जो इम्पोर्टेंस थी उसको समझ नहीं पाए। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने जो है अपने आश्रम जो साबरमती था वहां से लेके ओशियन तक वॉक करना शुरू किया। वो अपनी डेस्टिनेशन पहुंचे 3 हफ्ते बाद। वहां पर उन्होंने मुट्ठी भर नमक बनाया और अपने आप को एक तरह से कानून की आंखों में क्रिमिनल साबित कर दिया। इसके अलावा कई और जो है इस तरह की सॉल्ट मार्चेस हो रही थी जो कंट्री के अलग अलग हिस्सों में कराई जा रही थी। जैसा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, ये जो है एक ऑफिशियली सैंक्शन किया हुआ नेशनल कैंपेन था, पर वहाँ बहुत सारे और भी विरोध थे जो करे जा रहे थे। इंडिया के बड़े बड़े हिस्सों में जो लोग थे, यानी किसान वगैरह थे, जिनको ये जो कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉस थी वो नहीं पसंद थी, क्योंकि उसकी वजह से वो या उनके जो जानवर हैं वो जंगल में एंटर नहीं कर पाए थे जैसा कि वो पहले फ्रीली कर लेते थे, उसके खिलाफ उन लोगों को बहुत ज्यादा नाराजगी थी।
इसी तरह से कुछ टाउन्स में फैक्ट्री वर्कर्स जो हैं वो स्ट्राइक पर चले गए, जबकि जो लॉयर्स थे उन्होंने ब्रिटिश कोर्ट्स को बॉयकॉट कर दिया, और स्टूडेंट्स ने जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे उनको भी अटेंड करने से मना कर दिया। 1920 से 22 के बीच में गांधी जी ने जो कॉल किया था उसकी वजह से बहुत सारे इंडियंस हर क्लास के जो हैं काफी प्रोत्साहित हो गए, और सबने अपना अपना जो रोष था कॉलोनियल रूल के खिलाफ उसे दर्शाना शुरू कर दिया अपने तरीके से। अब ब्रिटिश रूल जो था वो कैसे चुप बैठता। इसी तरह से सॉल्ट मार्च के चक्कर में कहने को 60,000 इंडियंस जो है उनको अरेस्ट किया गया था, जिसमें गांधी जी भी शामिल थे। ये जो प्रोग्रेस थी गांधी जी की मार्च की श्री शोर तक, इसको जो पुलिस के गुप्तचर होते हैं उन्होंने जो है एक तरह से उसकी रिपोर्ट बनाई थी, सीक्रेट रिपोर्ट जो है फाइल करी थी, और जो भी गांधी जी कर रहे थे उनकी हर एक्टिविटी पर निगाह रख रहे थे। जो जो गांधी जी ने स्पीच दी गांव के अंदर जाकर रास्ते में, सब स्पीचेस को उन्होंने रिकॉर्ड किया, और जिसमें गांधी जी कह रहे थे कि जो तुम्हारे लोकल ऑफिशियल्स थे उनको बोला जा रहा था कि तुम अपनी ये जो गवर्नमेंट की पोस्ट है इनको छोड़ दो, एम्प्लॉयमेंट को छोड़ दो और फ्रीडम स्ट्रगल को ज्वाइन कर लो। एक गाँव था जिसका नाम था वसना, वहां पर गांधी जी ने जो अपर कास्ट के लोग थे उनसे कहा कि अगर तुम स्वराज चाहते हो तो तुम्हें जो है अछूतों की सेवा करनी होगी, तुमको स्वराज जो है खाली सॉल्ट टैक्स या और टैक्स जो है इनके बारे में अपील कर करके ही नहीं मिल जाएगा। स्वराज के लिए तुमने जो गलत किया है इन अछूतों के साथ उसे ठीक करना होगा। स्वराज के लिए हिंदू मुस्लिम पारसी सिख सबको एक होना होगा। ये कुछ स्टेप्स हैं जो स्वराज के लिए तुम्हें उठाने होंगे। जो पुलिस के गुप्तचर थे उन्होंने बताया कि गांधी जी की मीटिंग्स जो हैं सब लोग उसे बहुत अच्छे से अटेंड कर रहे हैं, हर जाति के गांव वाले जो हैं वो उनकी मीटिंग को सुनने आते हैं, उसमें विमेन भी होती हैं और मेन भी होती हैं। उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया कि हजारों की संख्या में वॉलंटियर्स जो हैं वो इस नेशनल कॉज के लिए आगे आ रहे हैं। बहुत सारे ऑफिशियल्स थे जिन्होंने अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया जो कॉलोनियल गवर्नमेंट में कर रहे थे। जब डिस्ट्रिक्ट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ने जो है गवर्नमेंट को लिखा तो उन्होंने कहा कि गांधी जी जो है बहुत ही शांत और एकजुट नजर आते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा ताकत इकट्ठा कर रहे हैं जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो प्रोग्रेस थी सॉल्ट मार्च की, इसको एक और सोर्स से भी जाना जा सकता है, अमेरिकन न्यूज मैगजीन टाइम जो है। सबसे पहले तो वो लोग जो है गांधी जी के लुक्स को ही देखकर हैरान थे, क्योंकि वो बिल्कुल ही दुबले पतले और बहुत ही वीक दिखते थे। साथ ही साथ जो उनकी राइटिंग थी वो भी उन्हीं के जैसी बिल्कुल दुबली पतली और लंबी पॉइंटेड लाइंस थी। तो सबसे पहली रिपोर्ट थी मार्च में, उन्होंने टाइम्स में लिखा कि सॉल्ट मार्च जो है हमें उसके बारे में शंका है कि वो अपने मंजिल तक पहुंचेगी भी या नहीं। उन्होंने ये भी क्लेम किया कि गांधी जी जो है ग्राउंड पर गिर गए थे सेकेंड डे की वॉक करने के वक्त, पर मैगजीन को इस बात का विश्वास नहीं था कि ये जो सेंटली फिगर है ये इतने फिजिकली एबल होंगे कि ये और आगे जा सकेंगे। लेकिन एक हफ्ते के अंदर ही उनको अपना माइंड बदलना पड़ा। ये जो इतना ज़्यादा एक जन आंदोलन होता जा रहा था, जितना फॉलोअर्स उसके बढ़ते जा रहे थे, उससे जो मार्च थी वो एक तरह से अपनी मंजिल पे पहुंच गई। और टाइम्स ने लिखा कि ब्रिटिशर्स जो हैं अब वो पूरी तरह से एंक्शस हो गए हैं। गांधी जी खुद भी जो है सल्यूट करे जा रहे थे एक होली फिगर के तौर पर या स्टेट्समैन के तौर पर ब्रिटिश रूलर्स द्वारा, जहां वो एक कहना चाहिए क्रिश्चियंस को जो है अपना हथियार बनाकर उन लोगों के खिलाफ कर रहे थे जो क्रिश्चियन बिलीफ्स को मानते थे। अब ये जो सॉल्ट मार्च हुई थी ये तीन रीजन के लिए बहुत ज्यादा जानी जाती है। सबसे पहला ये वो इवेंट था जिसने सबसे पहले गांधी जी को एक दुनिया के अटेंशन में लाया, यानी कि लोगों को पता चलने लग गया कि महात्मा गांधी कौन है। ये वाली जो मार्च थी इसको कवर किया गया यूरोपियंस के द्वारा भी और अमेरिकन प्रेस के द्वारा भी। दूसरा कारण क्या था, ये पहली ऐसी राष्ट्रीय एक्टिविटी थी जिसमें विमेन ने भी जो है बहुत बड़ी संख्या में हिस्सा लिया था। सोशलिस्ट यानी सामाजिक एक्टिविस्ट थी कमला देवी चट्टोपाध्याय, उन्होंने गांधी जी को मनाया कि वो जो है खाली मेन को ही इस उसमें साथ ना लें, कि खाली जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है वो सिर्फ आदमी लोग ही ना करें। कमला देवी खुद भी जो है उन हजारों संख्याओं की जो वुमेन थी उनमें से एक थी जिनको अरेस्ट किया गया था, क्योंकि उन्होंने भी जो है सॉल्ट और लिकर लॉस को तोड़ा था। तीसरा और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो रीजन है वो ये था कि सॉल्ट मार्च ही थी जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स को ये रियलाइज हो गया कि अब उनका राज जो है वो हमेशा के लिए नहीं चल सकता, और उनको जो है कुछ पावर जो है वो इंडियंस को देनी ही पड़ेगी। इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है एक तरह से सीरीज होगी उसकी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस की लंदन के अंदर,
जो सबसे पहली मीटिंग हुई थी वो नवंबर 1930 में हुई थी, लेकिन तब कोई भी एक प्रीएमिनेंट पॉलिटिकल लीडर इंडिया का उसके अंदर नहीं था, तो वो जो एक एक तरह से कॉन्फ्रेंस हुई भी तो वो बेकार रही। गांधी जी को रिलीज किया गया जेल से जनवरी 1931 में, और आने वाले महीने में ही उनकी कई सारी लंबी लंबी मीटिंग्स हुई वायसराय के साथ। इसको अगर हम एक शब्द में कहें तो इसको जो है गांधी इरविन पैक्ट कहा जा रहा था, जिसमें सिविल ओबीडियंस जो डिसओबीडियंस था उसको खत्म करा गया, सारे प्रिजनर्स को छोड़ दिया गया, और जो सॉल्ट मैन्युफैक्चर था उसे कोस्ट के अलोंग अलाउ कर दिया गया बनाना। पैक्ट जो है इसको क्रिटिसाइज किया गया, इसकी आलोचना करी गई जो रेडिकल नेशनलिस्ट थे उनके द्वारा, क्योंकि गांधी जी जो है वो वायसराय से एक कमिटमेंट हासिल नहीं कर पाए थे कि पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस भी इंडियंस को मिलनी चाहिए। हाँ, वो जो है खाली एक अश्योरेंस लेके आए थे बातचीत का, जो कि पॉसिबल हो सकता है एंड में। एक दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो लंदन में हुई बाद के हिस्से में 1931 में। यहाँ गांधी जी ने कांग्रेस को रिप्रेजेंट किया। उनकी जो क्लेम्स थी कि उनकी पार्टी जो है वो पूरी इंडिया को जो है रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन कहने को बस खाली क्लेम ही था, क्योंकि तीन पार्टीज जो है वो चैलेंज कर रही थी। एक थी मुस्लिम लीग, जो ये क्लेम करती थी कि वो खाली मुस्लिम माइनॉरिटी के इंटरेस्ट के लिए खड़ी है। दूसरी प्रिंस थे, जो क्लेम करते कि कांग्रेस को जो है उनके क्षेत्रों से कोई लेना देना नहीं है। और तीसरा जो है ब्रिलियंट लॉयर और थिंकर बी आर अम्बेडकर थे, जो ये आर्ग्यू कर रहे थे कि गांधी जी और कांग्रेस जो है एक्चुअल में लोअर कास्ट को रिप्रेजेंट नहीं करते। अब ये जो कॉन्फ्रेंस हुई लंदन के अंदर, इसका भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला, तो गांधी जी जो है इंडिया लौट आए और उन्होंने फिर दोबारा सिविल डिसोबीडियंस चालू रखा। अब जो नए वायसराय आए थे लॉर्ड विलिंगडन, वो जो है काफी अनसिंपैथेटिक थे इंडियन लीडर के प्रति, यानी कोई भी उनको संवेदना नहीं थी इन इंडियन लीडर के प्रति। उन्होंने जो अपना एक प्राइवेट लेटर लिखा अपनी बहन को, उसमें विलिंगडन ने लिखा कि ये एक बहुत खूबसूरत दुनिया है, पर ये गांधी जी के लिए नहीं है। जब भी वो कोई काम करते हैं हमेशा आयन में यही कहते हैं कि वो भगवान से इंस्पायर होके ये काम कर रहे हैं, जबकि अगर सामने वाले को देखे तो लगेगा कि जैसे ये एक राजनीतिक चिकड़मबाजी है या पैतरेबाजी है। मैं जो हूँ अमेरिकन प्रेस को देख रहा हूँ कि वो ये कह रहे हैं कि वो कितने अच्छे आदमी है, लेकिन एक्चुअल में फैक्ट ये है कि वो जो है बहुत ही अनप्रैक्टिकल, मिस्टिकल यानी रहस्यमय, और जो अंधविश्वासी लोग हैं उनके बीच में रह रहे हैं, जो गांधी जी को एक कुछ होली फिगर के तौर पर देखते हैं। 1935 में एक जो न्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हुआ, उसने जो है प्रॉमिस किया कि कुछ जो है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की फॉर्म होगी। दो साल बाद इलेक्शंस हुए, जो कि काफी लिमिटेड मताधिकार जो होता है उसके बेसिस पे किए गए, तो कांग्रेस ने जो है उसमें काफी अच्छी जीत हासिल करी। अब जो 11 प्रोविंसेस थी उसमें से 8 जो है उसमें कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर थे, जो कि ब्रिटिश गवर्नर के सुपरविजन में काम कर रहे थे। सितंबर 1939 में, दो साल बाद जब कांग्रेस के मिनिस्टर्स ने ऑफिस को ग्रहण कर लिया था, तभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जो है दोनों बहुत कड़े आलोचक थे हिटलर के और नाजीज के। उन्होंने प्रॉमिस किया कि कांग्रेस जो है वो वॉर में सपोर्ट करेगी अगर ब्रिटिशर्स जो है ये प्रॉमिस करें कि वो इंडिया को इंडिपेंडेंस दे देंगे जब ये वॉर खत्म हो जाएगा, ये मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। इस ऑफर को ठुकरा दिया गया। अब इसके विरोध में कांग्रेस जो मिनिस्ट्रीज थी उन्होंने रिजाइन कर दिया अक्टूबर 1939 में। 1940 और 1941 के दौरान जो कांग्रेस थी उसने कई सारे सीरीज जो है इंडिविजुअल सत्याग्रह के उनको ऑर्गेनाइज कराया, ताकि वो जो है ब्रिटिशर्स को प्रेशराइज कर सके कि वो जो है उनको फ्रीडम प्रॉमिस करें एक बार जब वॉर खत्म हो जाए। इसी बीच मार्च 1940 में जो मुस्लिम लीग थी, अब उन्होंने एक रेजोल्यूशन निकाला जिसमें वो ही डिमांड कर रहे थे कि उनको भी अधिकार मिलना चाहिए मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज के लिए, जो कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर है। अब ये जो पॉलिटिकल हमारी लैंडस्केप थी अब ये कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही थी। अब ये खाली इंडियन वर्सेस ब्रिटिश नहीं रह गया था, बल्कि अब ये थ्री वे स्ट्रगल बन गया था कांग्रेस, मुस्लिम लीग और ब्रिटिश के बीच में। इस समय जो ब्रिटेन थी उसके पास ऑल पार्टी गवर्नमेंट थी, और उसके जो लेबर मेंबर्स थे वो ज्यादातर इंडियन की जो इच्छाएं थी उनके प्रति संवेदना रखते थे, लेकिन जिनके कंजर्वेटिव यानी जो एक रूढ़ीवादी प्राइम मिनिस्टर थे विंस्टन चर्चिल, वो जो है एक पूरी तरह से शाही राजा थे, और वो इंसिस्ट ये कर रहे थे कि उनको जो है इसलिए अपॉइंट नहीं किया गया है कि जो किंग के फर्स्ट मिनिस्टर हैं के तौर पे वो जो है बस खाली ब्रिटिश एम्पायर में जो हो रहा है उसको देखते रहे। 1942 में जब वसंत का महीना था तो चर्चिल ने जो है फिर से मनाने की कोशिश करी कि अपने जो है एक कोई मिनिस्टर थे सर स्टार्टफोर्ड क्रिप्स,
उनको इंडिया भेजा जाए और वो जो है इंडिया में जाकर कोशिश करे ताकि एक कॉम्प्रोमाइज हो सके गांधी जी और कांग्रेस के साथ। बातचीत फिर बेकार हो गई, लेकिन तब भी कांग्रेस ने जो है इंसिस्ट किया कि अगर वो चाहते हैं कि ब्रिटिश जो है डिफेंड इंडिया को जो है डिफेंड करे जो बाहर की ताकत है उनसे, तो वाइसरॉय को सबसे पहले एक इंडियन को अपॉइंट करना होगा डिफेंस मेंबर के अंदर अपने जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें। इसके बाद हम बात करते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट की, वो हम करेंगे अगले वीडियो।